नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। इसका दूसरा भाग जो है 8a³ - b³ - 12a²b + 6ab² इसे हमें इसका गुणनखंड करना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम इसे प्रॉपर क्यूब के रूप में बनाएंगे, जैसा हमने इसके पहले भाग में बनाया था। इसके लिए यहां मुझे बनाना है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब के लिए, पूर्ण घन के लिए, यहां पर क्यूब लिखा, ए क्यूब है, ए अंदर लिख दूंगा तो ए का क्यूब ए क्यूब हो जाएगा। अब यह है 8। आप सोचो कि इस ब्रैकेट में क्या लिखूं जिसका क्यूब 8 हो जाए। तो हमें पता है 2 का क्यूब 8 होता है, 2 × 4 × 8, तो ये हो गया 2a³ माइनस यह है बी क्यूब। इसको मैं लिखता हूं b³, क्योंकि बी का क्यूब बी क्यूब होगा। अब यह बन गया a³ - b³। अब आगे हम बनाएंगे -3ab × a - b। उसके लिए देखो क्या करना है, -3 × a, ए लेना है हमने ये वाला, b है ये वाला ब्रैकेट के अंदर वाला, इंटू जो फॉर्मूला है वो है a³ - b³ - 3ab × a - b। a है 2a, माइनस बी है बी। हम इसको अभी चेक भी करेंगे कि हमने ये जो तोड़ा है ये ठीक तोड़ा है या नहीं तोड़ा है। देखो कैसे, सबसे पहले ये जो नंबर है इसे लिखो, गुना करके देखो, ये बन गया 3 × 6 × ab, ठीक है। ये जो है ये 6ab के बराबर है, 6ab को 2a से गुना करो, 6 × 12, a को a से गुना किया a², ठीक है, a को a से गुना किया a², साथ में है b, 12a²b, साथ में है ये वाला माइनस, तो -12a²b। देखो ये आया था -12a²b, इसका मतलब ये जो हमने लिखा है ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसकी सेकंड टर्म देखते हैं, -(-) ये आया था माइनस ना, इसको अब इससे गुना करो, -(-) 6ab × b हो गया b², तो ये आ गया +6ab² + 6ab² इसका मतलब इन दो रकमों को तोड़कर मैंने ये लिखा है, ये बिल्कुल ठीक है। ओके बेटा, अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास जो सर्वसमिका है वो है a³ - b³ - 3ab × a - b, जो कि हमने ये बनाया है, ये बराबर होता है a - b³ के, ठीक है बच्चों, a - b³ के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये जो हमारा आया ये भी तो यही आया ना, a³ - b³ - 3ab × a - b, ये बराबर होगा a - b³ के। a कितना है, 2a, a की जगह क्या है 2a, माइनस b की जगह क्या है b³। और किसी भी ब्रैकेट का होल क्यूब का मतलब है वो ब्रैकेट अपने आप के साथ गुना होगी 3 बार, तो यानी कि 2a - b × 2a - b × 2a - b, तो ये जो है हमने इसका गुणनखंड कर दिया है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और यदि अच्छे से समझ आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों। धन्यवाद।